हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी के लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। इसके साथ ही साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में या रक्त के कार्य के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। जैसे हम लोगों ने बता दिया था जिसमें कि जो ब्लड होता है उसके द्वारा गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, संक्रामक रोगों से रक्षा की जाती है शरीर की। इसके अलावा भी लसिका फॉर्मेशन या लिम्फ फॉर्मेशन, और भी हम लोगों ने विभिन्न कार्य पढ़ लिए थे जो ब्लड के द्वारा संपादित किए जाते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं वो सभी, चाहे कोई भी सर्कुलेशन सिस्टम हो, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्टेड करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी हमारी उपापचय क्रियाओं को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। तो अपन पढ़ेंगे आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, ब्लड ग्रुप के बारे में। या रक्त समूह के बारे में, जो ब्लड ग्रुप होता है, तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर उन्हें अनेक टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हम लोग जनरली जान लेते हैं जो ब्लड होता है किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में, जिससे व्यक्ति को रुधिर की ज़रूरत होती है उस व्यक्ति में रुधिर दान करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड के ट्रांसफ़र की क्रिया या रक्त देने की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को रुधिर देने की क्रिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं रक्त आदान कहलाता है, रक्त आदान कहलाती है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड होता है वो शरीर में स्वयं निर्मित होता है। मतलब ब्लड का जो निर्माण होता है वो बॉडी या शरीर खुद करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो किसी कारखाने में नहीं बनता, ब्लड का जो निर्माण होता है स्वयं मानव के द्वारा किया जाता है। अपने ही जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स विटामिन्स के अवशोषण के द्वारा ब्लड का क्या होता है, निर्माण। अगर हम बोले ब्लड की जो कमी हो जाती है, इन द केस ऑफ ब्लड की कमी, वो क्या होता है, एनीमिया। नॉर्मली अगर ब्लड की कमी आ रही है तो उस केस को क्या कहेंगे, एनीमिया। और इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो व्यक्तियों में दिखाई देते हैं किसके रूप में, जैसे टायर्डनेस या थकान के रूप में, वीकनेस के रूप में। और अगर ब्लड की ज़्यादा कमी आती है तो विभिन्न प्रकार के जो बीमारियाँ होती हैं उनके होने की पॉसिबिलिटीज़ भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। क्लियर है। दूसरा, हम बात करें ब्लड देने की ज़रूरत किसी व्यक्ति को किस सिचुएशन पड़ेगी, जब व्यक्ति के चोट या घाव लग गई या फिर दुर्घटना के केस में अत्यधिक मात्रा में रुधिर के शरीर से बाहर प्रवाहित तो हो जाने की स्थिति में। जब अत्यधिक मात्रा में रुधिर का प्रवाह हो रहा है शरीर से बाहर, उस टाइम क्या होता है, व्यक्ति में रुधिर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस दौरान जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो रोगग्रसित या चोटिल जो व्यक्ति होता है उसको क्या दिया जाता है, रुधिर दिया जाता है। और यह जो रुधिर देने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो ब्लड दिया जाएगा वो स्पेशल एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप किसके द्वारा की गई भाई, एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। कोरलैंड स्टीनर ने सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर वर्ग को मुख्य रूप से चार वर्गों में विभक्त किया। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि अगर इनके अलावा मतलब किसी भी व्यक्ति को अलग एंटीजन का ब्लड दिया जाता है तो उसकी ब्लड में कोएगुलेशन हो जाने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मतलब डिफरेंट एंटीजन वाला ब्लड अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो इन द केस ऑफ दिस कंडीशन क्या होगा, ग्राही व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसके बारे में सबसे पहले जो बताया वो किसने बताया भाई, कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्लियर है इतनी बात। तो हम लोग देखेंगे एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं ए बी ओ। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है चार प्रकार का, जिसे हम सामूहिक रूप से बोल सकते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। क्या कहेंगे भाई, ए बी ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ओ रक्त समूह। हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, इसे हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो हम लोग फ्लो चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है वो होते हैं फोर टाइप्स के, ए बी ए बी और ओ। ये किसने बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने। हम बात करें ब्लड ग्रुप ए में, तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन पाया जाता है वो ए पाया जाता है और उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बी या बीटा। इसी प्रकार अगर हम बात करें बी की, तो बी में जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो पाया जाता है वो होता है बी और इसकी जो एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में वो क्या होती है, ए या अल्फा। इसी प्रकार अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी बोथ एंटीजन उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें इसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो ओ होता है इसके ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी ए बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, या हम इसे डिनोट कर सकते हैं अल्फा या बीटा एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात करें जो ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप से और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके ऊपर दोनों एंटीजन उपस्थित होने के कारण यह ए बी मतलब सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। रीजन क्या है भाई, क्योंकि इसके ऊपर दोनों ही प्रकार के एंटीजन उपस्थित हैं, दोनों ही प्रकार के एंटीजन उपस्थित होने की वजह से यह जो ब्लड ग्रुप होता है या दोनों प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति के कारण इस ब्लड ग्रुप में सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ब्लड देने के कारण कोई एंटीएग्युलेशन की क्रिया नहीं होती, मतलब ब्लड क्लोट नहीं होता है, जिसके कारण यह सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। जबकि अगर हम बात करें इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती, एंटीबॉडी के एब्सेंस के कारण या एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण इसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ, तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक दाता।
रीजन क्यों है यूनिवर्सल डोनर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके ब्लड ग्रुप में या इसकी आरबीसी में एंटीजन की जो सिचुएशन होती है वो कहाँ पर होती है भाई? आरबीसी के ऊपर। जबकि जो एंटीबॉडी जो सिचुएटेड होती है वो कहाँ पर होती है? प्लाज्मा के ऊपर सिचुएटेड होती है। क्लियर है? तो इसकी आरबीसी के अंदर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होने के कारण किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देने पर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन द ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है भाई स्टूडेंट्स, कि इसके प्लाज्मा के अंदर दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ए और बी, या हम लोग बोल सकते हैं अल्फा और बीटा। दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होने के कारण यह जो ब्लड ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकते, छोड़कर ओ वाले से। मतलब इनके अंदर दो इनकी प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाई जाने के कारण ये किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। अगर इन व्यक्तियों को कोई अलग ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों का ब्लड दिया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाने की वजह से एंटीएगुलेशन हो जाएगा या कोएगुलेशन की क्रिया हो जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारे ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ए बी ओ में हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। याद रखना रीजन क्या है? बोथ एंटीजन की प्रेजेंस के कारण, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होने के कारण। जबकि जो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसके ऊपर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होने के कारण यह सभी व्यक्तियों को क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है और क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? ये सब किसने बताया? कॉर्न लैंड स्टीनर ने। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में।